और कहते हैं कहानियों के जरिए अगर बच्चों को कुछ सिखाया जाए तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। कुछ इसी तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं दिल्ली में मौजूद कथाशालाएं, जहां गरीब बच्चों को कथा कहानियों के माध्यम से शिक्षा की तरफ खींचा जा रहा है। आज हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के गोविंदपुरी एक्सटेंशन की झुकी बस्ती में, जहां लोगों के लिए एक नया उजाला लेकर आई है कथाशाला। कथाशाला एक ऐसी पाठशाला है जहां बच्चों में कथा कहानियों के माध्यम से शिक्षा के प्रति रुचि बनाई जा रही है। 1979 में कथा एक गैर सरकारी संस्था के रूप में रजिस्टर्ड हो गई। हर तरह का अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ताकि जिसमें बच्चे का टैलेंट निखर गया उसमें हम बच्चों को आगे बढ़ावा दे सके और उसको उस तरह की ट्रेनिंग दे सके हैं। आज दिल्ली में 43 कथा लैब स्कूल्स हैं, जहां मलिन बस्तियों के 45,000 छात्रों को लगभग 2,000 स्वयंसेवक शिक्षा और व्यवसाय के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो दिल्ली की गोविंदपुरी में झुग्गी बस्ती के क्षेत्र के करीब 3,000 बच्चों के लिए सूचना और संचार के क्षेत्र में कौशल प्रदान कर रहा है। ये रोबोट है और ये हम लोग रोबोटिक्स लैब में हम तरह तरह के रोबोट बनाते हैं और यहाँ इस स्कूल में इस चीज के रोबोटिक्स सीखने की हमें फैसिलिटी मिली है। कथाशाला एक ऐसी संस्था है जहाँ एक ही छत के नीचे बच्चों में हर तरीके का हुनर ढूंढ निकाला जाता है। बेकिंग कुकिंग में हाथ आजमाना हो, या फिर काठ कला में माहिर होना, या फिर फैशन डिजाइन में अपनी पहचान बनानी हो, यहाँ हर हुनर की कदर है। इन झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के साथ साथ विशेष रूप से सक्षम बच्चों को भी यहाँ अपनी पहचान बनाने का मौका दिया जा रहा है। कथाशाला अपने साथ एक सामुदायिक सोच को लेकर आगे बढ़ रही है। यहाँ छात्रों में समाज और पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदनाओं को जगाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई जा रही है। कथा के रचनात्मक स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है कथा प्रकाशन प्रोग्राम, जो कि भारत की विभिन्न भाषाओं की लघु कहानियों को प्रकाशित कर रहा है और साहित्य से साक्षरता लाने की कोशिश में लगा हुआ है। हम आशा करते हैं कि कथा की ये कथा और भी लोगों तक पहुंचे। नम्रता की रिपोर्ट।